हेलो, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज सॉरी दोस्तों, अगर आज मैंने बहुत दिन हो गए ब्लॉग डाले हुए। एक्चुअली मैंने ना वीडियो वो मतलब कि जो शूट आउट की थी वो ऐसे पार्ट्स में की थी, तो मतलब कि ऐसे रिदम में वीडियो शूट आउट नहीं की थी, उसकी वजह से मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाया और ना ये एडिट कर पाया। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और एडिट करके अपलोड भी कर दूँगा आज के दिन ही। तो इसीलिए अभी जस्ट उठा हूँ, तो ब्रश किया, वॉशरूम होके फ्रेश अप होके आ गया हूँ, नहा भी लिया, तो ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आज सोच रहा हूँ कुछ बनाने के लिए, तो अभी दोपहर को जब दोपहर होगी तो तब मैं कुछ बनाऊँगा खाने के लिए। बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये सस्पेंस ही रहेगा, आपके सामने सारा सारा प्रोसेस जो होगा आपके सामने होगा। तो मिलते हैं अभी दोपहर को आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा बनाने, तो आई होप तो अच्छा बनेगा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। आपके सामने होल प्रोसेस दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या जूस होगा वो मैं सब कुछ बता दूंगा, कौन से वेजिटेबल जूस होंगे, कौन से क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या डलेगा और क्या क्या चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो वो सारा होल प्रोसेस आज के ब्लॉग में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा और आप भी ट्राई करना। मेरे पास अभी माइक्रोवेव है तो मैं माइक्रोवेव में बेक कर लूँगा, अदरवाइज़ किसके अल्टरनेटिव तो बहुत सारे होते हैं, प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे और ये प्रेशर कुकर वाली पिज़्ज़ा बेक करने की वीडियो मिल जाएगी आपको। बट अभी जो होल प्रोसेस है वो सारा का सारा मैं माइक्रोवेव में करके दिखाऊंगा, क्या क्या चाहिए, क्या क्या पार्ट्स चाहिए इसमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्या क्या कौन कौन से वेजिटेबल चाहिए, क्या क्या पड़ता है और किस तरह से हमने पिज़्ज़ा को बेक करना है, कौन सा मोड रखना है, वो सारा होल प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा माइक्रोवेव में कैसे पिज़्ज़ा बनता है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो प्लीज़ गाइज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए ये हिम्मत आए और मैं मतलब कि अपना काम जो अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग को रिप्रेजेंट कर पाऊँ ताकि आपको मेरा ब्लॉग और मोर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़ गाइज, कोई भी वीडियो शूट करनी होती है नॉर्मली उसको नियर अबाउट 1 आवर से 2 आवर लग जाता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम होल डे का डाल के। तो बट उसमें इंटरेस्ट जब उसकी एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग में भी हमारा टाइम नियर अबाउट 3 to 4 आवर चला जाता है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपसे एक लाइक के लिए बोलूँगा, लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस। और अभी मिलते हैं किचन में, किस तरह से बताता हूँ होल प्रोसेस। से पहले मैं आपको वेजिटेबल कट करके बताऊँगा, कट करने के बाद फिर जाएंगे हम किचन में। तो अब देखो, आप देखिए कैसे हम वेजिटेबल को कट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि किचन में क्या क्या पार्ट्स जूस होंगे वो मैं सारा बताऊंगा पिज़्ज़ा में। ये बेस मिलता है, तो मैंने बॉन कंपनी का लिया है, तो ये बेस मिल जाता है 35 नियर वो 35 के पास पास। और ये पिज़्ज़ा सॉस मिलता है, फन फूड का है, पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है, तो ये भी मिल जाता है। टमाटो केचप तो सभी के घर पर होता है, मेयोनीज लाई है,
और मोज़रेला चीज लाया टाइट फॉर्म में और जो लाइटर से कट गई है और जो इस पे रख के मैं पिज़्ज़ा को बेक करूँगा और जो माइक्रोवेव है माइक्रोवेव में हम बेक कर देंगे इसको। तो चलिए पहले पेज बाकी का होल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ और वो होल प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें मेरा एक्चुअली मेरे को ब्लॉग कम वीडियो में शूट करना होता है, इसलिए वो सारा का सारा प्रोसेस होता शॉर्ट वीडियो में बता दूँगा। कुछ इस तरह से हमारा बेस जो रेडी हो गया है, अभी इसमें मैंने पूरी फिलिंग कर ली है, मोल्ड डाइस डाल दिया, ऑर्गेनियो डाल दिया, फ्लेक्स डाल दिए हैं, कैप्सिकम डाल दिया, ऑनियन डाल दिया। आप देख सकते हो इस तरह से पिज़्ज़ा हमारा पिज़्ज़ा की फिलिंग हो चुकी है। अगर हम इसको सिर्फ बेक करना है, बेक करने के बाद हम इसको खा सकते हैं। देख सकते हो आप कितना अच्छा बेक हो चुका है पिज़्ज़ा। अभी मैं पिज़्ज़ा की कटिंग करने जा रहा हूँ तो वो पिज़्ज़ा की कटिंग आपको दिखाऊंगा कैसे होती है पिज़्ज़ा की कटिंग। अभी मैं पिज़्ज़ा की कटिंग करने जा रहा हूँ तो देखते हैं कैसे। देख सकते हो आप चीज़ की पर पार मात्रा है। देख सकते हो आप पिज़्ज़ा का रिव्यू ले सकते हो कैसा है कैसा नहीं। एक पिज़्ज़ा और तैयार किया मैंने, उसको वीडियो में प्रोसेस नहीं बताया, बट सेम प्रोसेस है। जैसे देख लीजिए इसमें मैंने चीज़ थोड़ा ज़्यादा रखा है तो चीज़ की वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कर रहा हूँ पिज़्ज़ा एंजॉय और आप भी घर पे बनाएं और खाएं। और एक्चुअली इसमें होता क्या है, प्रोसेस तो आपको मैंने सारा दिखा दिया, बहुत आसान है प्रोसेस बनाना। और आप घर का खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, हेल्थी खाएंगे बाहर से तो, और इस समय हम बाहर तो खा नहीं सकते, इसलिए मैं अपना कोशिश करूंगा कि हर ब्लॉग में नई नई डिश बना के आपको दिखाऊं और आपके लिए और अच्छा सा खाना देख के आऊं। तो आज इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करने जा रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जय हिंद।